जो आए दिन टेलीविजन चैनल पे आकर वही घिसा पिटा टेप रिकॉर्डर चलाते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर 20 राज्यों को लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने को लेकर कहीं कहीं अपना दामन में नहीं देखते हैं कि ये वो भारतीय जनता पार्टी है जब से स्थापित हुई है उन्होंने कितनी हार का सामना किया होगा जरा उनकी भी गिनती कर लीजिए गिनती कर लीजिए कांग्रेस के मुकाबले आपको जवाब मिल जाएगा कि किसने गिनिस वर्ल्ड टाइटल संभाला है रही बात नरेंद्र मोदी जी की ये तो बहुत स्पष्ट है कि अगर किसी का नाम सच में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आएगा वो नरेंद्र मोदी जी का आएगा क्योंकि देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो इतनी भारी बहुमत से आए पर उतनी ही भारी बहुमत से उनकी हार भी निश्चित है ये मैं आपको यहाँ पर कह दू अभी क्योंकि माँ गंगा की बात होगी क्योंकि काशी में अभी हाल ही में जो आंदोलन कर रहे थे माँ गंगा के बारे में बात कर रहे थे तो मैं बार बार उनके उनका निधन हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा है कि उनके वो शोक आ, मनाते हैं उनकी आ, मौत का पर भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने काशी की जनता को एक वादा किया था अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड सुपुत्र बताया था तो मैं तो बस अब ये मानने लग गई हूँ कि जब भी वो मित्रों करते हैं कहीं ना कहीं माँ गंगा कहती है कुपुत्रों ना तुमने मेरा ध्यान रखा ना मां गंगा का ध्यान रखा ना मां नर्मदा का यहाँ पर आप ध्यान रख पाए और आप आकर इस पावन धरती पर मांगते हैं वोट वही माँ नर्मदा को लेकर वही माँ गंगा को लेकर तो जब आप उत्तर प्रदेश का ध्यान करते हैं उत्तर प्रदेश में ये भी ध्यान करिए भाई साहब किस तरीके से गुजरात से पलायन हो रहा है और योगी आदित्यनाथ जी कह देते हैं कि कोई पलायन नहीं हो रहा है पचास हजार परिवार जा चुके हैं पर योगी आदित्यनाथ क्लीन सर्टिफिकेट अपने खुद के मुख्यमंत्री को देते हैं हुँ. तो आप जब बात करते हैं पलायन की वापस जीत कर आने की उत्तर प्रदेश की जरा अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देख लीजिए मैंने ट्रैक रिकॉर्ड के विषय में तो बता दिया मगर मैं दूसरे ट्रैक रिकॉर्ड के विषय में बताता हूँ जरा देखिए अभी इन्होंने माँ गंगा की बात कही मैं एक बात यहाँ शोक व्यक्त करता हूँ आदरणीय संत अग्रवाल साहब हमारे बीच में नहीं है वाकई खेद का विषय है बहुत ही खेद का विषय है मुझे बहुत दुख भी हो रहा है मगर मुझे लगता है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए गंगा इस देश इस देश की ही नहीं राष्ट्र और इस राष्ट्र के ही नहीं मैं कहूँगा धराधाम की धरोहर है उसको स्वच्छ करना उसको निर्मल करना हम में से प्रत्येक भारतीय मनुष्य का ये कर्तव्य है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए मगर जिस प्रकार से जिस प्रकार से हम पे चिल्लाया जाता है ऐसे बोला जाता है मानो सत्तर साल तक गांधी परिवार ने गंगा को रोज साफ़ किया साफ करके हमें गंगा को साफ करके दिया था गंगा को साफ करके दिया था हमने गंगा मैया को गंदा कर दिया गंगा मैया को प्रदूषित कर दिया पास गंगा साफ करने की मिनिस्ट्री है करोड़ों रुपए का बजट है उसके बाद भी आप यह कहें कि साफ तुम लोग करो तो फिर आप लोग क्या करेंगे भाई ठीक ठीक आपको शायद रोहित जी आपको शायद रोहित जी ये पता नहीं है कि के दशक तो आपके प्रश्न आपके तो कर रहे तो नंबर वन ना ना, ना, ना ना कपिल शर्मा कौन है ये हमको भारत की राजनीति में कपिल शर्मा एक ही है वो हर कोई जानता है आलू की फैक्ट्री मोदी आलू की फैक्ट्री देश के कपिल शर्मा सुन ले उनको, उनको इतनी सुन अच्छी ले बात है जब सुन, सुन उनका। लग रहा है। आलू की फैक्ट्री पीछे से आलू आगे से सोना याद है ना अब मुद्दे पर आते हैं प्रियंका रोहित जी आप रोहित जी रुक जाइए ने चिट्ठियां लिखी प्रधानमंत्री को जान देने रोहित तो जी ना रोहित जी चिल्लाने की आवश्यकता नहीं सुनिए नंबर 1 देखिए अस्सी के दशक में राजीव गांधी जी ने पहली बार गंगा के विषय में अभियान छेड़ा अस्सी हजार करोड़ रुपए से भी अधिक रुपए जो हैं वो गंगा क्लीनिंग के लिए रखा गया क्या हुआ जब 2014 में मोदी जी सरकार में आए आप बताइए क्या एक स्वच्छ गंगा एक कलुषित रहित गंगा प्रदूषित रहित गंगा हमें मिली नहीं मिली हाँ हमने बीड़ा उठाया है गंगा साफ करने का जो इतने वर्षों से मलिन हो रही थी मैं यहाँ पर कोई राजनीति गंगा के नाम पे नहीं करूंगा मगर इतना अवश्य कहूंगा अच्छे के साथ लगातार उसके लिए काम हो रहा है और गंगा साफ करने का अभियान हम पूर्ण करेंगे अब मैं मुद्दे में नहीं करते तो उनके सही सुपुत्र जो उसके लिए आंदोलन कर रहे थे उनके तो ध्यान में रख लेते, आज उनकी मौत भी भी हो गई है, फिर भी आप लोगों ने किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की किसी तरीके दे, की, दे, की उनकी बात नहीं सुनी शेम 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 ठीक दे, ठीक देखिए जहां जहां तक शेम शेम का विषय है शेम शेम किसका होना चाहिए सत्तर वर्षों तक देश सत्तर वर्षों तक देश को कहां से कहां जाके पहुंचना चाहिए था आज देश कहां है चाहूंगा जो काम सत्तर वर्षो तक राहुल गांधी जी के परिवार ने मैं राहुल गांधी नहीं कह रहा कि परिवार ने नहीं किया था 32 करोड़ लोगों का अकाउंट खोल के वो काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा शेम किसका होना चाहिए इतने बड़े देश में सत्तर वर्षों तक आज भी करोड़ों माताएं ऐसी थी जिनके घर में एलपीजी सिलेंडर नहीं पहुंचा था उज्ज्वला के माध्यम से आज पांच करोड़ महिलाओं के घरों तक उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर पहुंचा शेम उनका मैं आज तक में बैठा हूं यहाँ आज तक के सब बड़े लोग बैठे हुए हैं शेम उनका होना चाहिए आज तक ने एपिसोड दिखाया था एक एपिसोड दिखाया था कि किस प्रकार सुंदरबन सुंदरबन बंगाल का एक क्षेत्र है जिस प्रकार महाराष्ट्र के कुछ टापू जहां इतने वर्षों तक बिजली नहीं पहुंच पाई थी आप जानते हैं सुंदरबन में लोगों के घर में गांव में बाघ घुस करके इसलिए मार देता था क्योंकि बिजली नहीं थी अंधेरे में लोग रहते थे दहशत में लोग रहते थे आज आज तक ने दिखाया कि किस प्रकार मोदी जी के रजीम में वहां बिजली पहुंची मैं धन्यवाद करता हूं मोदी जी की सरकार को और सेम करता हूं गांधी परिवार के सरकार को